मान्यवर भेण उषा ठाकुर खे दावत थो ॾियां त अॼु मौजूद ते पंहिंजो पेपर पेश कयो उषा ठाकुर। लिपियुनि जे बारे में ॼाणण खां पहिरीं थोरे में इहो सम्झूं त भाषा छा केतिरो ज़रूरी भाषा ॿिनि या ॿिनि खां वधीक पाण में जोड़ियल शब्दनि जो मजमू आहे। जिन खे को ख़ासि मतिलबु ॾिनल हूंदो आहे इन खां सवाइ हिकु या ॿिनि अखरनि वारा के ख़ासि मतिलबु रखंदड़ स्वर या व्यंजन जा गॾियल शब्द थींदा आहिनि जेके कंहिं बि भाषा में मुख्य स्थान रखनि था जीअं त आ ओ न हा का को छा वग़ैरह। भाषा हिकु उहो ज़रियो आहे जंहिंजे वसीले को बि शख़्स पंहिंजे मन जी ॻाल्हि ॿिए खे सम्झाए सघे थो। भाषा कहिड़ी बि हुजे इंसाननि जी जानवरनि जी या पखियुनि जी सभिनी में ख़ासि तरतीब वार जोड़ियल किन अखरनि खे को ख़ासि मतिलबु ॾिनल हूंदो आहे जीअं राम पप्पा जी तरतीब पर इहा तरतीब बदिलण सां मतिलबु फिरी वेंदो जीअं मरा पाप। जंगल में जॾहिं को शींहं या चीतो शिकार करण लाइ निकिरंदो आहे त आसपास ज़मीन ते वेठल जानवर या वणनि ते वेठल पखी या बांदर हिकु ख़ासि क़िस्म जो ख़तरे जो आवाज़ कढंदा आहिनि। असां ॾिठो आहे त जॾहिं को कांउ मरी वेंदो आहे त उन जा साथी कांउ ख़ासि अंदाज़ में आवाज़ कंदा आहिनि जिन खे ॿुधी परे परे खां कांउ बोॾा मना अची मातम कंदा आहिनि। इहो आहे शब्दनि ज़रिए भावना जो इज़हार जंहिंखे भाषा या ॿोली चइजे थो। आदि समय में मनुष्यनि वटि सिर्फ़ु उचारियल शब्दनि जी ॿोली हूंदी हुई शायदि खेनि लिपीअ जी ज़रूरत कान हुई पर पोइ सभ्यता जे विकास सां लिपीअ जो विकास बि थियो। इंसान जानवरनि सां गॾु झंगलनि में रहंदा हुआ पर कुदरत मनुष्यनि खे अहिड़ो शरीर ऐं दिमाग़ ॾिनो आहे जो हू हिकु कल्पनाशील सहा वारो रोबोट आहे। धीरे धीरे सोच वीचार कंदे मनुष्य पंहिंजी सुरक्षा जा उपाउ कंदा रहिया झंगलनि बदिरां हू गुफ़ाउनि में रहण लॻा। भारत में केतिरनि हंधनि ते उहे गुफ़ाऊं आहिनि जीअं त मध्य प्रदेश में भीम बेटका गुफ़ा उते गुफ़ा जे भितियुनि ते उकरियल चित्रनि मां पतो पवे थो त मनुष्य हिकु समाज में ॿधल आहिनि। हुननि वटि हर तीर कमान आहिनि शिकार करण वक़्तु हुननि सां गॾु पालियल कुता आहिनि। भितियुनि ते के लिपीअ जहिड़ियूं निशानियूं बि उकरियल आहिनि जेके किन ख़ासि शब्दनि तरफ़ इशारो कनि थियूं यानी भाषा बि आहे त लिपि बि आहे लेकिन इहा चित्र लिपि या भाव लिपि लॻे थी। इहा गुफ़ा लखे साल पुराणी चई सघिजे थी त हिन में को बि वधाउ न थींदो। कंहिं बि भाषा में वीचार ऐं भाषा जो इज़हार ॻाल्हाइण ऐं लिखण ज़रिए करे सघो आहे। असीं ॻाल्हाइण जे उज़्वन ज़रिए जुदा जुदा आवाज़ उथारियूं था जेके ॿुधंदड़ जे कननि ताईं पहुची खेसि घुरबल माना जो अनुभव कराइनि था यानी असीं रोज़ानी जीवन में ॿिनि या ॿियनि सां वीचारनि जी ॾे वठि करण लाइ आमतौर मुक़ररु शब्दनि जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। असीं जॾहिं बि का धारी ॿोली ॿुधंदा आहियूं जंहिंजी असांखे कुझु बि ॼाण न हूंदी आहे तॾहिं असांखे ॻाल्हाईंदड़ जा फ़क़ति आवाज़ पिया ॿुधण में ईंदा आहिनि पर उन्हनि जो मतिलबु छा आहे तंहिंजी ज़रिए बि ॼाण असांखे कान पवंदी आहे। हाणे असीं ॾिसूं था त कंहिं बि ॿोलीअ जा ॿ तरफ़ आहिनि हिकिड़ो आहे उच्चारण कयल आवाज़ ऐं ॿियो उन्हनि आवाज़नि मां हासिलु थींदड़ मतिलबु। आवाज़ भावना खे ज़ाहिरु करण जो हिकु वसीलो आहिनि यानी शब्द ऐं माना जो पाण में तय कयल गहरो लाॻापो आहे। ॾिठो वियो आहे त जॾहिं बि कंहिं क़ौम कंहिं देश ते कब्ज़ो कयो आहे त उते पंहिंजी ॿोलीअ खे अहमियत ॾिनी आहे जीअं त सिंध ते अरबनि जी हुकूमत क़ाइमु थियण खां पोइ अरबी भाषा वाइपे में आई ऐं अरबी लिपीअ में ई सिंधी बि लिखण जी कोशिशि कई हुई पर 1843 में जॾहिं अंग्रेज़नि पंहिंजो राज क़ाइमु कयो त हुननि सरकारी कारोबार हलाइण लाइ देसी भाषा जो इस्तेमालु कयो। इन कम लाइ हुननि खे सिंधीअ लाइ लिपीअ जी चूंड करणी हुई। सिंध में मुसलमाननि जी घणाई हुई जंहिं करे हुननि सिंधी ॿोली लाइ अरबी लिपीअ खे तरजीह ॾिनी जेतोणीकि उन वक़्तु ॿियूं बि लिपियूं जीअं त देवनागरी गुरमुखी हटवाणकी ऐं ख्वाजकी बि कमु ईंदियूं हुयूं। सिंधी भाषा लाइ अरबी लिपीअ जे आधार ते हिकु नई आई वेट तयारु करण लाइ
अंग्रेज सरकार एक कमेटी मुकर कई उन कमेटी एक नई लिपि तैयार कई जैसे सिंधी उच्चारण जो खूबी जैमें सिंधी उच्चारण जो खूबी समायल हुई साढ़े का खाबे लिखा ये सुहणी लिपि है पर इन लिपि की आई वेटा यानी अल्फाबेट की तरतीब वैज्ञानिक ना है सिर्फ काम चलाऊ है अखर जो वर्गीकरण कल ना है जैसे तो देवनागरी आई वेटा पूरी वैज्ञानिक तरतीब से अड़ियल है जितोणिक उनमें भी सिंधी ज गज चैन चूसन आवाज ला अलग हर्फ ना यह कमी जरूर है जी दूर कर सकते थी इन लाइ खास अखर दह ब गज तैयार क्या वह विद्वान जो राय है तो मोहन के दड़े माल दल मेरन से जो लिपि उकेरियल है उनके आधार से ब्राह्मी लिपि जो विकास थो जैमा हाणोक देवनागरी गुजराती ए गुरमुखी लिपि जो विकास थो हजार साल अग सम्राट अशोक के जमाने में सिंध समेत भारत के उत्तर ओलह वाले इलाके में खरोष्टी लिपि जो वाइपो हों खरोष्टी लिपि साढ़े खाबे पास अजकल की अरबी फारसी वागू लिखी वी हुई इतिहास में पतो पवे तो ब्राह्मी लिपि में निकल देवनागरी ए गुरमुखी लिपि के अलावा सिंध में ख्वाजकी लिपि भी कम इंदी हुई जै लिपि में इस्माइली पीन जान नाले किताब लिखल हाँ इतने इन में खरोष्टी लिपि लिखल है अशोक जो शिलालेख लिखल है खरोष्टी लिपि में तेखा सिंधी लिपि हटवान तक मात्राओं से गुड जमटल मसराणी जो 1892 में मकाले मां अटकुस डॉक्टर भुजराज देखवाणी थे तो पैदा विचार इन पेपर के बारे में मंच से विराजमान आदरणीय मंच के सामू वेठल सब मुझा गुरु है तो अज मां इत डॉक्टर उषा साहब के पेश कल मकाले के मथा विचार पेश कर रहा है सदन मकाले उमान तक जान ही है लिपि जो विकास अंग्रेजन के राज का अब डॉक्टर उषा सारस्वत पैंने इन मकाले की शुरुआत में जरूरी है जो कड़ी अहमियत है इन गाल रोशनी भी दी है अगत लेखिका लिपि के ईजाद बाबत बयान कहते भीम देवता के गुफाओं में उखरियल चित्र के जरिए जाना तो ये आदि मानव जो उखरियल चित्र चित्रलिपि या भाव लिपि नीचे नीचे उन्हें लेखिका अगत लिखे भी तो सन 1843 ईस्वी में अंग्रेजन पैंजो राज कायम कर उनका ही अखर क्या कोट किया तरह उन्होंने सरकारी कारोबार लाए सिंधी बोली इस्तेमाल करने का फैसलो वरतो उन वक्त सिंधी बोली लाए अरबी लिपि के तरजीह दिनी जितोणी उन वक्त लिपि कम इंदी हुई सिंधी लिपि लाए एक नई आई बेटा तैयार करने लाए अंग्रेज सरकार एक कमेटी मुकर्र कई इन कमेटी एक नई लिपि तैयार कई जैमें सिंधी उच्चारण जो सब खूबी समायल हुई खाबे का साजे लिपि में ये सुहणी लिपि है इन बयान से जो है मुख्य राय ये देो है तो पहरी गाल अंग्रेज सरकार जो कमेटी मुकर्र कई उन नई आयो वाई बल्कि उन आई वेट आई उन मानकी कर जाहिर गायल मयारी कर बी गाली यह गाल आई है एक नई लिपि तैयार कर हाँ लिपि आयोटा में फर्क हों लिपि तो पहले
अक्षर अरेबिक लिपि तो पहले नई लिपि तो कोई ठा ही न हुई मुझे ऑब्जर्वेशन आए जो तुम सामू बयान कर मकाले में जेका आई है सुहणी लिपि है यो भी एक जज्बाती बयान है इन भाषा महत्व अहमियत न कई भी लिपि सुहणी या बस जे भी ये ना इन अगत हली कर सिंधी जे जे निज उचार चैन चुसण आवाज ला अलग हरफन यो बयान भी जो है उनते ये चव चाह टाइप ही क्या खुद उनके लिए वही काफ़ी मानो ये महसूस करना कि हेठा लकीर दूंगा इन करे कोई अलग से अल्फाबेट तैयार कर इन लाइ कोशिश कई वही हुई अल्फाबेट जो तैयार क्या हुआ वो इतने दिनल लेकिन उन्हें वाहिपो न थी सके अना ते कें भी किताब में उन्हें जे वाहिप करण में भी जो है व्यवहार केतरी तकलीफू इंद छोजो पे जो लिखल है उनके क्यों मटी नंबर वन नंबर बी गाली गाल न समझ में इंदी है कि अस ये छो चवे कि इनके लिए अलग अल्फाबेट तैयार कर डर लिखा तो अड़ा नुकतो दींदा ना इतने लकी न जानी यो कशालत करो पवे बोली से अगर पान के अस लायल रहो वफादार रहो तो ये कशालो कर जरूरी है इन दादी जे मोहन के दड़े के लिपि जो जिक्र आयो है वे निशान काफी हद तीन चित्रलिपि के वेझो ब्राह्मी लिपि उन निकती है यो जो फकत शख्सी रो ब्राह्मी लिपि सर चश्मो जो मोहन के दर की लिपि को उन कारण यो है कि जैसे अस लिपि पढ़ी न सकें तो ब्राह्मी लिपि सर चश्मो उन वाजिब न तो लगे बाकी मकाले से दादी सुठो निभाया हुआ एकड़ी अजा इल्तजा हुई मुझी अगर उम्मीद करना तो ढो बेहतर थी पाया इतने चार टिनल अलग अलग स्क्रिप्ट्स या अंग्रेजन के जमाने में जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल कई वी हुई हटवाणकी गुरमुखी देवनागरी अरबी तो कड़े क्षेत्र में वाहिपो कई वी छो उन क्षेत्र निश्चित हुआ उन्होंने बयान अचे तो मकालो अ सुहणो बढ़ी पे महरबानी पेपर बाबत तासरा पेश कर इन पेपर से बहस कर पैरी मां ये चाहस लिखावट ते ख्याल रखा वन अजकल लिखावटों बड़ी अरबी वाली ए बी देवनागरी वाली ए दरअसल मसालो उ अची बीठो है कड़ी लिपि में सिंधी लिखण खपे हाँ जी सोच दिसूँ तो असू चार पीढ़ियों से
अरबी लिपी का अरबी लिखावट पढ़े रही इन करे उन्हें सभी लाइ यो लाजमी आए तो देवनागरी में ही लिख पर उन्हें जे लिखण जो मतलब यो ना है तो देवनागरी में असी सिंधी के लफ्जन ए सिंधी के ग्राम के नजरअंदाज करें जेका गाल आम है देवनागरी लिखण वाला सिंधी में एक अखर के बदरा ब अखर सागे कम में आनी उच्चारण अस एक उच्चारण क्या देवनागरी डबल च है अड़ी तरह घने ही लफ्ज हैं और उन्हें लिखन था जो तो वो हिंदी पा लिख हाँ जी और उन्हें अगर लिखासी तो उन्होंने सिंधी के चवंदी वो तो असें चवन खे हिंदी है तंखा सवाल जो ग्रामर जो हिस्सो है तेमें भी केतर गाल हिंदी से क्या संस्कृत जहा शब्द हैं जो मनुष्य सिंधी में एक ही शह है इतने बी शह ला कर ज्ञान लो तो बंद कर बारे में को भी ख्याल को खाली देवनागरी लिखने बुधाया तो सिंधी देवनागरी में क्या लिखा आजादी पेपर में लिखल विकास विकास तीन में खाली चंद रुपये को सोरह रुपये हुए पर हाँ सोरह रुपये में केतु कामन हुए जै वक्त अंग्रेज तय कर कड़ी लिपि कम में आना खे उन वक्त चार मुख्य लिपि पैरी हटवाल हटवाल की लिपि जी असी शुरू का वी कम में आंदा कदें का कंखे खबर ना जेके व्यापारी सिंध का बहर व्यापार कर लिख पर हटवाल में ही कंदा हुआ तो चाहे वह फाजकी हु या हटवाल तो उन विकास उन वक्त का वी जान हो तो उनमें वह कड़ी कड़ो विकास केतरी हद ती कंधन से उनो व्यवहार चालू बी लिपि है देवनागरी देवनागरी ब्राह्मी लिपि में निकती ब्राह्मणी जेका है असा वट जिठी वे तो ईस्वी सन का टे चार साल पैरी शुरू थे जी असके लेख मिलन था जैमें ब्राह्मी लिपि है या खरोश लिपि है उन्होंने मिलन था तो उन वी विकास क्या थो सिंध में क्या आई वो तुम्हारे गुरुमुखी गुरुमुखी तो असर सत्री अड़ी सदी में आई जैसे नानक संत वाला मानू सिंध में आया ए उन गुरुमुखी आई ए गुरुमुखी इन हुई तो सिंध जो जालू जो स्कूल में न वो गुरुमुखी में पढ़ी सिंधी में सिंधी गुरुमुखी में इन कर जेंट्स आये उन्होंने मां भी केतरा गुरुमुखी से क्या चाहता उन्होंने पैंजे इदारों से लिख पढ़नी पवी अड़ी तरह गुरुमुखी जो विकास चौथी जरिए
हाणे अरबी लिपि जेका आहे सा असां वटि ॾिठो वञे त शुरूआति उन जी 8वीं सदीअ खां थी जॾहिं महमद बिन कासिम कहा करे सिंध ते आयो ऐं हुकूमत आहे 8वीं सदीअ खां वठी 19वीं सदीअ ताईं यानी 1843 ताईं अरबी लिपि कम में आई। हाँ अरबी लिपि हे चवंदा था एक्चुअली अरबी लिपि त आहे कान का छाकाणि त अरबीअ जा 28 अखर फारसीअ जा 3 अखर ऐं बाक़ी जेके अखर आहिनि सिंधीअ जा त पोइ अरबी लिपि कीअं थी। अरबी लिपिअ जो बि इतिहासु ॼाणणु खपंदो हो त कहिड़े नमूने कॾहिं खां अरबी थी आहे। अरबी लिपि जेका चऊं था उन में हुन जेके लिखावटूं आयूं आहिनि उन्हनि में सिर्फ़ु अरबी ॿोली कान हूंदी हुई, सिंधी ॿोली हूंदी हुई। सिंधी ॿोलीअ खे अरबी अखरनि में लिखंदा हुआ। हाणे जेके अखर हुननि खे सिंधीअ में न मिलंदा हुआ उन्हनि में हू पंहिंजे हिसाब सां लिखंदा हुआ ॿोली जो ध्यानु त अहिड़ी तरह इन्हनि चइनि ॿोलियुनि जो विकास ॾेखारणु खपंदो हो जेको न ॾेखारियो। हाणे चऊं था त इहा असांजी नई ॿोली अंग्रेज़नि ॾांहुं अंग्रेज़नि नई ॿोली न कई जेकी अॻई वापराव कयो तंहिंखे ॿोली लिखी वेंदी लिपी थो कमाल अॼु लिपी ॿोली थो ॻाल्हायां सिंधी ॿोली त मूं लफ़्ज़ चए ई कोन खे अंग्रेज़नि जेके सिंधी अरबी लिखावट मुक़ररु कई छाका नई कान हुई पहिरीं कम में ईंदी हुई उन्हनि 52 अखरनि लाइ 52 निशानियूं चाढ़ ऐं उहो उन्हनि जो तरीक़ो हो जो उन्हनि चयो त रेड में लिखणु हा उहा उहो तरीक़ो जेको आहे लिखावट जो असीं गुज़िरियलु 150 सालनि खां कम में आणियूं पिया त इन्हीअ करे असीं ईअं न चई सघंदासीं त इहा लिखावट ग़लति आहे या ॿी का लिखावट ग़लति आहे। उनजे लाइ असांखे हिकिड़ी अलॻि कमेटी ठाहिणी पवंदी जंहिंमें असीं लिखावट जे बारे में बहस करे कंहिं नतीजे ते पहुचूं। हाणे मूंखे बाक़ी नथो ध्यान में अचे त मां कहिड़ी ॻाल्हि एड करियां या पहिरीं मूं चयो त टिनि डॉक्टरनि जे विच में हिकिड़ो घायल वेहारो अथव ऐं असांजी मारवाड़ी भेण चङी महिनत करे पंहिंजो नंढिड़ो ई सही पेपर पर रिठाए जे नमूने में चित्रनि सां मिसालनि सां पेश कयो आहे। इन लाइ उहो सारा जी मुस्तक आहे। डॉक्टर लेखवाणी पंहिंजा जेके वीचार ॾिना त ॿ ॾह ॿ ॾह जे बारे में सुझाव जेके ॾिना आहिनि उन जे बारे में कुझु विचूर सां ॿुधायो वञे हा त उहे कॾहिं कंहिं कीअं डेवलप थिया या बाक़ी अख़र जेके आहिनि ते जीअं रह जो मिसाल ॾिनऊं त उन जे डेवलपमेंट ते बि जेकॾहिं पेपर में कुझु ॼाणायो वञे हा त पेपर वधीक कराइतो थी सघे हा। भावनाणी साहब गॾु असां डेकन कॉलेज में कमु कयो आहे ऐं तमामु सुठी ॼाण रखंदड़ शख़्सियत आहे। हिन साहिब जेके ॿुधायो चइनि लिपियुनि जो विकास जेको पेपर में थोरो वधीक अचणु खपंदो हो उहो हिन साहिब थोरो वाज़े कयो आहे ऐं तमामु उहा सुठी ॻाल्हि आहे। इहा बि हक़ीक़त आहे त अरबी लिपि अंग्रेज़नि असांजे मथां कोन थोपी हुई। अंग्रेज़नि खां पहिरीं बि जेकी कुझु हुओ तंहिंमें सिंधी लिपीअ में उहे अख़र जेके हूंदा हुआ पर कुझु अमेंडमेंट्स अंग्रेज़नि करायूं कुझु हुन में नयूं ॻाल्हियूं हुननि एड करायूं जेको रूप अॼु असांजे अॻियां लॻे थो ऐं उनजा फ़ाइदा नुक़सान ते मां नथो ॻाल्हाइणु चाहियां। बहरहाल हीउ पहिरियों सेशन जो मां सम्झां थो मुंहिंजो वीचार मुंहिंजो शायदि तव्हां बि शामिलु आहे थियो त कामयाबु सेशन